सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, एक ऐसी औषधि आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसको आप अपने घर पर लगाएंगे तो यकीन मानिएगा सांप और मच्छर, ये दो खतरनाक प्राणी आपके घर के अगल बगल भी नहीं फटकेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना है। और उस पौधे को मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, केवल आप अपने घर में गमले में लगाइएगा और देखिएगा कि किस तरीके से मच्छर और सांप दोनों ही आपके घर से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे जी आर एफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बने रहें जी आर एफ जी यूट्यूब चैनल। और ये हमारे भाईजान जो आज हमारे साथ में है, इस वक्त मैं हूँ पन्ना में और यहाँ पर मुझे दिखा है एक ऐसा पौधा जिससे सांप और मच्छर पूरी तरीके से खौफ खाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं पन्ना और यहाँ पर हमें इस वक्त आगरा मोहल्ल में। तो चलिए दोस्तों, वो पौधा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस पौधे का नाम है मेरे भाइयों मरुआ दोना। जी हाँ मेरे भाइयों, इसे कहते हैं मरुआ दोना। और आप यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं इसका जरूर कमेंट करिएगा कि हमारे यहाँ इसे इस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने घर में ये मरुआ दोना ये देख लीजिएगा, आप इसको बहुत ही गौर से देख लीजिएगा, अगर आपने अपने घर में ये मरुआ दोने का पौधा लगा रखा है तो आप मच्छरों से पूरी तरीके से निजात पा जाएंगे और आपके घर में मच्छर तो क्या सांप भी नहीं घुस सकता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों की सुगंध, जी हाँ मेरे भाइयों, इसकी पत्तियों की इस तरीके की सुगंध होती है मेरे भाइयों कि इसकी सुगंध से ही मच्छर फरफरा कर आपके यहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में लगाइएगा ये मरुआ दोने का। इसकी पूरी पहचान ये मैं आपको बता दूं, इसके ये जो फूल आप देख रहे हैं इस तरीके से, आप ये इसके फूल हैं इस कलर के और मेरे भाइयों इसकी पत्तियां चिकनाहट लिए हुए होती हैं। ये दोस्तों मरुआ दोने का पौधा आप अपने घर में जरूर लगा लीजिएगा ताकि आप सांप और मच्छरों से निजात पा लीजिएगा। मेरा मानना है कि सांप से ज्यादा खतरनाक मच्छर होता है, क्योंकि जब मच्छर हमें काट लेता है तो हमें पता भी नहीं चल पाता है और हम बड़ी से बड़ी घातक बीमारी के शिकार हो जाते हैं मेरे दोस्तों। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन ये करूंगा कि आपके क्षेत्र में इस मरुआ दोने के पौधों को क्या कहते हैं ये जरूर बताइएगा। और इसके और बहुत सारे फायदे हैं, इसकी आप अगर चाय बनाकर पीते हैं तो आपको जो भी संक्रमण होने वाला है, जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी आती है, इसके पत्तों को शहद में मिलाकर इसके पत्तों का रस पीने से 2-3 खुराक में आपकी खांसी पूरी तरीके से अलविदा हो जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसे सांस में भी उपयोग में लाया जाता है और बहुत सारी चीजों में उपयोग में लाया जाता है और इसका इस्तेमाल करिएगा। इसे कहते हैं मरुआ दोना। जी हमारे भाइयों, मरुआ दोने का जबरदस्त फायदे हैं। और आप इस पौधे के बारे में कितने फायदे जानते हैं इसका आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों के बताए हुई ज्ञान से लोगों को ज्ञान मिले और फायदा उठाए। मेरा एक ही मकसद है और किसी भी तरीके से इसे पैसा कौड़ी वसूले नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता है। ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, ये देख लीजिएगा मरुए दोने का पूरी तरीके से मैं आपको एक एक तरीके से पौधा दिखा रहा हूँ जिससे आप इसे पहचान ले और कहीं पर भी जा करके आप इस मरुए दोने के पौधे को ला करके आप इसी तरीके से गमले में मेरे भाई लगा सकते हैं। ये देख लीजिएगा, काफी पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं और काफी पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ नए पौधे को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।